नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। सबसे पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ मैं आपको, मेरे वीडियो से या मेरी जानकारी से आपको कोई भी नुकसान होता है उसके लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं जो जानकारी प्रदान करता हूँ उसका उपयोग अपने विवेक से करें, धन्यवाद। आइए अपन हाजिर बाजार जान लेते हैं चाइना का। आज का बाजार है 7 अक्टूबर का, जब मैंने लास्ट 27 को बनाया था शायद वीडियो, तो उस टाइम पे शायद 3.02 युआन से लेके 5.90 युआन तक था, और आज बाजार है 3.3 युआन से लेके 5.90 युआन तक। यानी अपने इसमें करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये करीब 6600 से लेके 13000 है, और कुछ थोड़ा बहुत नरम है, ज़्यादा मद्दा नहीं है। जबकि हाजिर में तो ठीक है मार्केट, पर वायदा में बहुत उठापटक हुई इस हफ्ते में। मैं देख रहा था, रोज ट्रैक कर रहा था, पर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन तक तो ऐसी स्थिति थी, एक ही भाव पे मार्केट खुल रहा था, बंद हो रहा था, या तो कुछ समस्या थी या कुछ होने वाला था, कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी। मैं आपको जो भी ये वायदा के कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ इनकी सारी की इमेज में मैं आपको डाल दूँगा, तो आप उसमें देखिएगा कि मैं किस बारे में बता रहा हूँ। 3 कैंडल जो हैं 28, 29 और 30, ये भाव बिल्कुल एक समान थे, एक समान खुलते थे, एक समान ही बंद होते थे, एक पूरा बिहेवियर एक जैसा था 3 ही दिन का, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप उसमें देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आया तो देखिएगा क्या उठापटक हुई उसमें। और आइए वायदा जान लेते हैं अपन, अप्रैल 2024 का जो 27 तारीख को 7800 था वो 7200 है, यानी कि करीब करीब 500-600 पॉइंट की मंदी है, और ये 6900 तक नीचे गया था। और अगस्त 2024 वाला वायदा जो 5600 था वो 5500 है, और ये 5500 तक नीचे गया था। और इसके बाद मैं जो आपको दिसंबर 2023 वाला बताता हूँ, ये 7650 था करीब, जो 7200 है, और नीचे में 6900 गया था। तो कुल मिला के वायदा में बहुत ज़्यादा उठापटक रही, हाजिर में बाज़ार करीब करीब स्थिर थे, पर फिर भी कुछ भी मंदा ही था, वायदा में कुछ ज़्यादा मंदे थे। और फ्लेक्स की बात कर लें, फ्लेक्स हाजिर में 15920 था, जो 15700 है, ये 200 पॉइंट कम हुआ है फ्लेक्स का हाजिर। और वायदा की बात करें, नवंबर 2023 का वायदा जो 16000 था वो 14500 है, तो इसमें भी काफ़ी कमी है, 1500 पॉइंट की कमी है। और मई 2024 वाला है जो 1620 था वो 1450 है, तो इसमें भी कमी आई है। और कुल मिलाकर वायदा में काफ़ी उठापटक रही इसमें, और हाजिर में करीब करीब बाजार स्थिर थे। मैं वीडियो नहीं बना पाया, माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, तो बहुत सारे काम मुझे स्वयं करने पड़ते हैं, मेरे पिताजी और मैं दोनों काम करते हैं, तो वह थोड़ा समय कम मिलता है, तो इस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो समय पर बना नहीं पाया। उसके लिए थोड़ा सा क्या है, वायदा के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, पहले क्या भाव था अभी क्या है, तो थोड़ा समय लगता है, और तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया, पहले भी बताया मैंने कारण। अब जब समय मिलेगा, अब थोड़ा सा समय मिलेगा तो मैं बिल्कुल बनाता रहूँगा। और एक बात और, अपन बोवनी के बारे में बात करें, जो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि आप अपने आसपास के किसानों से बात कीजिए, अपने गांव के आसपास आसपास के गांव वालों से बात कीजिए, आसपास के गांव के जो किसान हैं उनसे बात करिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि लहसुन की बोवनी कितनी हो रही है इस साल। तो वो आपने अगर जानकारी हासिल की हो तो इस वीडियो के कमेंट में करें, या उसी वीडियो के कमेंट में आप जाके अपने ज़िले का नाम और अपना नाम सहित उसकी बोवनी की जानकारी प्रदान करें। इससे सभी किसान साथियों का सहयोग हो जाएगा, कि सभी को निर्णय लेने में सुविधा हो जाएगी कि अपने को क्या करना है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कमेंट करिए इसमें थोड़ा सा। आप ऐसा नहीं है कि अपन सोचें यार चलो बाकी सब कर रहे हैं तो अपन नहीं करें, कृपया कमेंट करिए, तो उससे क्या है कि एक दिशा मिलती है कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। बाकी बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, उनमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 गुनी बोवनी होने की संभावना है, बहुत सारे किसान बोल रहे हैं कि मैं 2 गुनी करूँगा, 3 गुनी करूँगा, फाइनली कितने करते हैं बाद में मालूम पड़ेगा। और एक चीज़ और, मैंने जो पिछले हफ्ते 10 दिन में ट्रैक की है कि अपने भारत में जो भाव चलते हैं लहसुन के,
वो करीब करीब चाइना के भाव को कॉपी ही करते हैं, उससे अलग हट के नहीं चलते हैं। अपने यहाँ 20 दिन तक मंडियाँ बंद थी, माल अवेलेबल कम हुआ होगा, सेंटरों पे थोड़ा सा खाली हुआ होगा, उसके बावजूद भी बाज़ार जैसे ही मंडियाँ खुली इतना बाज़ार बढ़ा नहीं है, करीब करीब वही खुला, थोड़ा बहुत बढ़ा फिर घटा। और पिछले हफ्ते भर में तो करीब करीब 1500 से 2000 रुपये की नरमी आ चुकी है इसमें, और वहाँ पे भी एक हफ्ते भर से घट रहा था, और अभी 2 दिन में थोड़ी सी वहाँ सुर्खी आई है, 2 दिन से थोड़ा तेज़ी का माहौल है। और तो मेरा कहना का मतलब ये है कि अपन वर्ल्ड लेवल पे ही मार्केट चलता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, बाकी मार्केट अपने को चाइना का मार्केट देखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोगों की सोच रहती है केवल वो नीमच मंदसौर पिपलिया इनका, लोकल मंडियों का, इंदौर वगैरह का, इनका कोटा का, इनका भाव देख लेते हैं, इससे अपना अंदाज हो जाएगा कि भाव क्या होगा। मुझे नहीं लगता इससे चलता है, ये बाहर से ही चलता है, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत ना हो, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, ठीक है। एक बात और है, जो अभी ये जो मंदी आई है इसमें बहुत सारे किसानों में घबराहट है, व्यापारी बंधुओं में घबराहट है, स्टॉकिस्टों में घबराहट है, तो माल बेच भी रहे हैं लोग, और किसानों को तो पैसा भी चाहिए, अभी खर्चे का समय भी है, उनके काम का मजदूरों के पैसे चाहिए, खाद के पैसे चाहिए, बीज के पैसे चाहिए, तो माल बेच भी रहे हैं, तो बेचना भी चाहिए, धीरे धीरे माल बेचना चाहिए। बाज़ार काफ़ी ठीक है, फिर भी थोड़े बहुत घटे हैं, पर फिर भी ठीक है। बाकी जो अपने अपने रिस्क कैपेसिटी अपने अपने हिसाब से लें, कोई बात नहीं है। और एक और मेरे मन में अभी एक हफ्ते भर से ही बात चल रही थी, बहुत सारे वीडियो देखे मैंने, तो हर एक में यही बात है कि इस साल बवनी नहीं करें, क्योंकि इस साल बाज़ार काफ़ी अच्छा था, तो बहुत ज़्यादा बवनी करेंगे और बाज़ार नहीं आएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, अगर अपन इस वर्ष बवनी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अगले साल करेंगे? अगर अगले साल अगर बाज़ार घट जाता है, मान लो 5000 या 5000 से नीचे चला जाता है, तो उस समय में अपन बवनी करके क्या हासिल करेंगे, ये मेरे समझ में नहीं आता है। मेरी जो कैलकुलेशन है, मैं उसमें हमेशा डिग रहता हूँ, बिना सोचे समझे जो मेरे को जो लगता है, जो समय जो टाइमिंग बनती है उस हिसाब से मैं बवनी कर लेता हूँ। बाकी जो बोलते रहते हैं लोग, जो सोचते रहते हैं, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अपने को बवनी करना है तो करना है, और जिनका निर्णय है नहीं करना तो नहीं करना, अपने इस निर्णय पर हमेशा अडिग रहें। बाकी भी बातें तो बहुत से चलती रहती है, वीडियो जो भाव नीमच मंदसौर वगैरह के, कहीं के भी, बाहर के भी जो भी वीडियो यूट्यूबर हैं वो भी सर्वे कर रहे हैं इस बारे में, तो वहाँ बातें सामने आ रही है कि 2-3 गुना रकबा हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता 2-3 गुना रकबा हो सकता है, क्योंकि 3 गुना रकबे के लिए 3 गुना बीज भी चाहिएगा, बीज इतना जाएगा तो इस साल के लिए शॉर्टेज बन जाएगी, खाने के लिए मार्केट में माल कम अवेलेबल रहेगा, और इस साल का जो अवेलेबल माल है उसके सर्वे में तो ये आ रहा है कि 25-30% माल ही बचा है, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं अपन, तो उसमें भी अगर कमी आएगी, अगर 3 गुनी बवनी होती है तो वो भी बवने में जाएगा, तो उसमें शॉर्टेज बनेगी, तो ये पूर्ति नहीं हो पाएगी, ये बात मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ। और मैं एक चीज़ और है, जो वायदा के जो मैं कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ आपको, ये सारे मैं इनकी इमेज डाल दूंगा मैं आपको, आप इसमें देखिएगा। मैंने जो उठापटक की बात की है, 3 दिन से एक ही भाव था, सिमिलर चल रहा था, और एकदम से उसके बाद गिरावट आई, फिर 2-3 दिन गिरावट रही, फिर अभी 2 दिन में सुधार है, तो आप स्वयं देखिएगा। और बस इतना ही है वो दोस्तों आज के लिए, और कुछ खबरें हैं जो फिर भी पेंडिंग चल रही हैं, तो मैंने सोचा भाव के लिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर बंधुओं का कमेंट भी आ रहा था कि आप भाव बताइए, बात सही भी है, मेरे को तो, मैं देखता हूँ तो मुझे तो तनाव, मैं देख लेता हूँ तो मुझे ये नहीं रहता है कि क्या चल रहा है, मैं तो देख लेता हूँ, पर जिनको जैसा आप लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, तो आप उसमें सोचते होंगे कि क्या चल रहा है, अरे बाज़ार क्या चल रहा है, अरे वहाँ का बाज़ार क्या चल रहा है, तो ये भी आवश्यक है। मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाया, कोशिश करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, आप भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। धन्यवाद।